नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है कि गाडरवारा विधानसभा के कांग्रेस के नेता मनीष राय जी हमारे साथ में हैं। इनसे जानते हैं कि क्षेत्र में चुनाव की गतिविधि निरंतर अपने चरम पर चल रही है। कहीं ना कहीं चुनाव का जो माहौल है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में भी है और नहीं भी है। कई सारी बातें होती हैं, इनसे जानते हैं कि चुनाव का जो माहौल है क्या कह रहा है सर, जनता से आप मिल रहे हैं? अभी चुनाव का माहौल तो नहीं है और जनता के बीच निरंतर हम कांग्रेसियों का सबका जाना आना लगा रहता है। इसको आप चुनावी माहौल से ना जोड़ें, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी कांग्रेस परिवार के लोग बाग हैं सबका यहाँ पे जीवट संपर्क है, आम जन से संपर्क है, गांव देहातों में संपर्क है, शहर में संपर्क है। तो अभी जो शादी ब्याह वगैरह आप देख रहे हैं, भागवत देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच वगैरह देख रहे हैं, तो इन पर निरंतर हम लोगों का स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये चुनावी माहौल से इसको ना जोड़ें, अभी चुनाव में 6 महीने हैं, ये तो हमारी निरंतर एक वो है। तो कहीं ना कहीं अभी राजनीतिक जो व्यक्ति विशेष या नेताओं का जो आगमन चालू होने वाला है, आपको मालूम है कि राजनीति के जो चुनावी समीकरण धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आता है तो नेता जो है पार्टियां छोड़ना बदलना चालू कर देते हैं, इसमें क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? क्या फिर से वही माहौल पिछली बार जैसा देखने को मिलेगा? नहीं, आपकी बात सही है कि जब भी चुनाव सामने आएंगे, पास में आएंगे, तो निश्चित ही जब चुनाव गर्माहट आती है तो डेली कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। सुबह कुछ मिलेगा, दोपहर को कुछ मिलेगा, शाम के टाइम कुछ मिलेगा, रात को कुछ मिलेगा, सो के उठोगे तो कुछ और चर्चाएं और कुछ और आपको मसालेदार न्यूज़ें मिलेंगी। तो चुनाव तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया, चुनाव में आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया पुराना और जो भी है सब चीज़ें मिलेंगी, मसाला मिलेगा आपको। तो मसाला मिले ना मिले, लेकिन हमको खबर ऐसी चाहिए जो जनता को लगे कि वास्तव में खबर है। कमलनाथ जी इस बार के चुनाव में काफ़ी कुछ एक्टिव माने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो कार्यकर्ताओं के प्रति एक विश्वास है कि कार्यकर्ता जो है उनके कहीं ना कहीं 100% अपना पार्टी के लिए दे रहे हैं, उस पर क्या कहना है सर आपका? जैसा कि आपने कहा कि कमलनाथ जी अभी एक्टिव दिख रहे हैं, मैं इस बात को नकारूंगा आपकी, क्योंकि कमलनाथ जी विगत 40 वर्षों से निरंतर एक्टिव हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हम लोगों के लिए सर्वमान्य नेता हैं, सभी वर्गों के सर्वमान्य हैं और हमें उनके नेतृत्व में हम लोगों को सबको उम्मीद है और कि इस बार पुनः हम लोग यहाँ पे अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। वो हमारे मुखिया हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में इस बार हम 1001% फिर से यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी। भाजपा का निरंतर कहना रहता है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो वादों के लिए मशहूर है, वादे करके भूल जाना ये कांग्रेस की फितरत रही है, क्या कुछ आपका कहना है सर? नहीं, ये आपकी बात गलत है। कांग्रेस ने जो अपने वादे किए हैं उनको हमेशा निर्वहन किया, चाहे आप किसानों के कर्ज माफी की बात कर लें, 100 रुपये पर यूनिट बिजली की बात, आप प्रधानमंत्री आवास के उस पर बात कर लें, आज गौशालाएँ जो दिख रही हैं आपको, 56 या 53 गौशालाएँ हमारे नरसिंहपुर ज़िले के अंदर बनी हुई हैं जो कमलनाथ जी के कार्यकाल में बनी। कांग्रेस ने जब भी जो कहा, इसके पहले भी मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी की सरकार थी हमारी, उस टाइम हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, तो कांग्रेस की कथनी करनी में कभी फ़र्क नहीं था। तो नरसिंहपुर ज़िले में इस बार कांग्रेस की कितनी सीटें आने की उम्मीद है? आप क्षेत्र में निरंतर भ्रमण कर रहे हैं, आपको कैसा क्या महसूस हो रहा है? जिस तरीके का जो वातावरण अभी हमें प्रेजेंट में दिख रहा है, क्योंकि 4-5-6 महीने हैं, 6 महीने में और क्या परिदृश्य आता है, लेकिन ये निश्चित है जनता मन बना चुकी है। जिस तरीके से इनके 18 साल कुशासन लोगों ने देखा है, मामा की कथनी है, करनी कुछ नहीं है, जिस तरीके से घोषणा वीर मामा हम लोग कहते हैं उसको देखा जाए तो यहाँ पे, और पब्लिक ने हमारी सरकार चुरा ली, पब्लिक ने यहाँ पे जनता ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन इन्होंने सामदाम दंड भेद से जो अपनी भाजपा की सरकार बना ली, ये जनता के साथ इन्होंने चीटिंग करी है, जनता को ठगा है, जनता इसका प्रतिकार और जनता इसका आप देख लेना, इस चुनाव में 1001% फिर से हमारी कांग्रेस सरकार बनेगी और यहाँ रही 4 सीटों पर, मुझे उम्मीद है कि 4 सीटों पर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर फिर से विजयश्री हासिल करेंगे। ये थे हमारे साथ नरसिंहपुर ज़िले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या यूं कहें हमारे साथ गाडरवारा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रविशेखर जायसवाल जी हैं। इनसे जानते हैं कि गाडरवारा नगर में अभी की जो प्रेजेंट स्थिति है या कुछ क्या कांग्रेस के फेवर में है या भाजपा के फेवर में, क्या कहना है सर आपका? कांग्रेस के फेवर में है, गाडरवारा की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत परेशान है और कांग्रेस के फेवर में है जनता। कमलनाथ जी ने जो पिछली बार, जैसा कि हमारे जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने भी 27 लाख जो किसानों का कर्जा माफ हुआ था उन्होंने भी कबूल किया था, और ये अभी जो रैलियां चल रही हैं, चाहे वो कर्नाटक की रैली हो
या कहीं भी, लेकिन उनका ये कहना होता है कि कांग्रेस ने कोई कर्जा माफ नहीं किया, कहीं ना कहीं आप किस तरीके से देखते हैं इस बात? जब विधानसभा के अंदर ये बात स्वीकार की गई, आप बता रहे हैं कि कमल पटेल जी ने भी स्वीकार की और विधानसभा के अंदर ये बात उठी कि पहली किस्त में किसानों का कर्जा माफ हुआ है, और निश्चित रूप से सरकार हमारी अगर नहीं गिरती तो दूसरे और तीसरे चरण का भी कर्जा माफ होता। और उन्होंने जो गौशालाएं दी थी, कहीं ना कहीं इस समय आज के जो समय में गौशालाओं की कहीं ना कहीं स्थिरता जो है अस्त व्यस्त चल रही है, उसमें सर आपका क्या कहना है? कमलनाथ जी के 1.5 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी गौशाला नहीं बनी जितनी उनके कार्यकाल में बनी थी। और कमलनाथ जी ने तो अभी एक और घोषणा की है कि जो महंगाई हम गृहणियों को जूझना पड़ता है गैस सिलेंडर की, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी 500 रुपये में गैस सिलेंडर मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। तो ये कैसे संभव है सर कि ये यूं कहें कि एक लॉलीपॉप है, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, क्या ये पूरे हो सकते हैं? नहीं, ये संभव और असंभव की बात नहीं है और लॉलीपॉप नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में 500 रुपये में सिलेंडर देना चालू कर दिया, तो ये लॉलीपॉप नहीं है। तो क्या ये जो वादे होते हैं इनसे कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे आँच आती है? अब अर्थव्यवस्था पे तो आँच आती है कहीं ना कहीं से, पर एक अच्छा नेतृत्व है जो अर्थव्यवस्था को भी संभाल के रखता है और जनता से किए हुए वादों को भी पूरा करता है, यही तो एक सक्षम नेतृत्व की पहचान है। आज की तारीख में देखोगे तो शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जों में पूरा डुबा दिया है। हर अगर औसत हम निकालें तो हर व्यक्ति के ऊपर, मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आज की तारीख में लाखों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम 100वां जो एपिसोड था वो हमने अभी कुछ समय पूर्व देखा, जो उन्होंने बात की जनता से, उस पर शायद मैं आपका क्या कहना है? ये तो प्रधानमंत्री जी का एक मैनेजमेंट है कि एक मैनेजमेंट करके कैसे भी हम हिंदुस्तान में छाएं, लोगों से मन की बात, लोगों को राहत देकर, लोगों की जनहित की योजनाएं देकर वो कहें। और जो मध्य देश के अंदर आज जो स्थिति बनी हुई है, चीन आंखें उठा रहा है, आतंकवाद के बारे में बात करते हैं तो आतंकवाद भी हम सुनते हैं कि आतंकवाद में अपने पैर फंसा रहे हैं, पुलवामा की बात करते हैं तो सब भ्रमित बात करते हैं, और लोगों से आके सीधी बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा है मन की बात करने की। मन की बात करने से सीधी बात करें वो अच्छा है, लेकिन आपको बता दें कि क्षेत्र में या यूं कहें कि कितनी जो सीटें हैं 230 सीटों में से मध्य प्रदेश में कितनी सीटों का अनुमान आप लगा रहे हैं एज ए कार्यकर्ता? हम एज ए कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ कांग्रेस आएगी, यही आपसे बोल सकते हैं, पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ में गाडावारा नगर पालिका, तो हमारे साथ में गाडावारा नगर की कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता अभिनव जी मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि युवाओं के लिए क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, क्या कुछ युवाओं के लिए कुछ बातें ऐसी जो आने वाले चुनाव में युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान की आबादी में युवाओं का प्रतिशत 60, और केवल गाडरवारा विधानसभा उसमें नहीं आता बल्कि संपूर्ण देश आता है, और युवा इस देश की रीढ़ है। निश्चित तौर पर युवाओं के रोजगार का, उनकी शिक्षा का, उनके परिवार के स्वास्थ्य का मुद्दा निश्चित तौर पर रहेगा, और युवा हर एक चुनाव में, या मैं कहूँ हर एक सामाजिक गतिविधि में युवा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मेरा मानना है कि जो युवाओं की बात करेगा निश्चित तौर पर वो देश पर और प्रदेश पर राज करेगा। कहीं ना कहीं अभी मध्य प्रदेश के जो मंत्री रहे हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उसको 3000 पहुंचाने की बात कही है। कहीं ना कहीं किसान, अभी हम नरसिंहपुर ज़िले की बात करें, बिजली से भी कहीं ना कहीं त्राही मांग किसान ने की है। हमने देखे हैं कि कई सारे ज्ञापन, कई सारे आंदोलन किसान रोड पर भी आए हैं, इसमें क्या कुछ कांग्रेस किसानों के लिए करने वाली है यदि कांग्रेस सरकार आती है तो? आपने देखा होगा कि हमारे नेता, प्रदेश के नहीं पूरे देश के नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी जो सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ होगा, और उनके पहले दस्तखत उसी फाइल पर हुए थे जिस पर किसानों का कर्ज माफ़ होना था। मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया है, और जिनकी लिस्ट हर एक ग्राम पंचायत में किस किसान का कितना कर्ज माफ़ हुआ है,
कि आपको भी याद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी तो 5 हॉर्स पावर की मोटर फ्री मिलती थी, कोई बिजली का बिल नहीं आता था। कमलनाथ जी की जब सरकार बनी तो आपने देखा था कि किसान ही नहीं आम आदमी के लिए भी 100 यूनिट बिजली मुफ्त थी। 200 यूनिट पर 100 रुपये बिल आता था, किसानों को 1700-1800 रुपये प्रति माह लग रहा था। तो किसान हमेशा से किसान के, कांग्रेस हमेशा किसान के पक्ष में रही है। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो हमने देखा है कि 12,000 रुपये प्रति क्विंटल चना भी बिका और अरहर भी 12,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी और धान की फसल 45 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। आज स्थिति ये है, आपने जैसा ही कहा हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी, क्या गलत कहा उन्होंने सदन में, कहा था कि कांग्रेस के सारे विधायक हाथ उठाकर कह रहे हैं कि 3,000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ लिया जाए किसान का, किसी एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने हाथ नहीं उठाया। आप कैसे किसान नेता जी बन सकते हो? आप 3 काले कानून लेकर आ रहे थे किसानों के, किसानों को आप बेरोजगार और किसानों को सड़क पर लाने के कानून थे, क्या पता नहीं किसी को क्या? तो हमारे साथ में गाडावारा नगर की कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता अभिनव जी मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि युवाओं के लिए क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, क्या कुछ युवाओं के लिए कुछ बातें ऐसी जो आने वाले चुनाव में युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। देखिए हिंदुस्तान की आबादी में युवाओं का प्रतिशत 60 और केवल गाडरवारा विधानसभा उसमें नहीं आता बल्कि संपूर्ण देश आता है और युवा इस देश की रीढ़ है। निश्चित तौर पर युवाओं के रोजगार का, उनकी शिक्षा का, उनके परिवार के स्वास्थ्य का मुद्दा निश्चित तौर पर रहेगा और युवा हर एक चुनाव में या मैं कहूँ हर एक सामाजिक गतिविधि में युवा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मेरा मानना है कि जो युवाओं की बात करेगा निश्चित तौर पर वो देश पर और प्रदेश पर राज करेगा। कहीं ना कहीं अभी मध्य प्रदेश के जो मंत्री रहे हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उसको 3,000 पहुंचाने की बात कही है। कहीं ना कहीं किसान, अभी हम नरसिंहपुर जिले की बात करें, बिजली से भी कहीं ना कहीं त्राही मांग किसान ने की है। हमने देखे हैं कि कई सारे ज्ञापन, कई सारे आंदोलन किसान रोड पे भी आए हैं, इसमें क्या कुछ कांग्रेस किसानों के लिए करने वाली है यदि कांग्रेस सरकार आती है तो? आपने देखा होगा कि हमारे नेता, प्रदेश की नहीं पूरे देश के नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी जो सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ होगा और उनके पहले दस्तखत उसी फाइल पर हुए थे जिस पर किसानों का कर्ज माफ़ होना था। मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया है और जिनकी लिस्ट हर एक ग्राम पंचायत में किस किसान का कितना कर्ज माफ़ हुआ है, ये आपको भी याद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी तो 5 हॉर्स पावर की मोटर फ्री मिलती थी, कोई बिजली का बिल नहीं आता था। कमलनाथ जी की जब सरकार बनी तो आपने देखा था कि किसान ही नहीं आम आदमी के लिए भी 100 यूनिट बिजली मुफ्त थी। 200 यूनिट पर 100 रुपये बिल आता था, किसानों को 1700-1800 रुपये प्रति माह लग रहा था। तो किसान हमेशा से किसान के, कांग्रेस हमेशा किसान के पक्ष में रही है। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो हमने देखा है कि 12,000 रुपये प्रति क्विंटल चना भी बिका और अरहर भी 12,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी और धान की फसल 45 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। आज स्थिति ये है, आपने जैसा ही कहा हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी, क्या गलत कहा उन्होंने सदन में, कहा था कि कांग्रेस के सारे विधायक हाथ उठाकर कह रहे हैं कि 3,000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ लिया जाए किसान का, किसी एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने हाथ नहीं उठाया। आप कैसे किसान नेता जी बन सकते हो? आप 3 काले कानून लेकर आ रहे थे किसानों के, किसानों को आप बेरोजगार और किसानों को सड़क पर